आप पढ़िए। क्या इनके लिए मरे जा रही थी ना? शादीशुदा हैं ये, एक बच्ची भी है इनकी। नहीं मामा, ये सब झूठ है, कोई साजिश है इसके खिलाफ। बीवी की खबर छपी है, बेटी भी है 1.5 साल की, झूठ है ये सब? मामा ये वाकई झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं पूछती हूँ उससे। आप उन्हें फोन नहीं करेंगे? इनके ये करतूत देखने के बावजूद आप उनसे रابطہ रखना चाहती हैं? कितना जलील करवाएंगी आप हमें? क्या करिए, फोन तो दे, पूछने तो दे, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? आपको क्या लगता है वो अपनी गलती मान लेगा? हजारों दलीलें देंगे कि ये सब झूठ है। मैं क्या करूं, नहीं कुछ बोलूं? ये अखबार वो भी पढ़ेगी और पढ़ने के बाद आपको खुद कॉल करेंगे, और अगर कॉल नहीं की तो समझ जाइएगा कि वो शर्मिंदा है। और अगर वो कॉल कर ले तो? फिर भी खबर तो छपी है ना इसमें, और कितना जलील होना चाहती हैं आप? हाँ चले मान लेते हैं ये खबर सच्ची नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ सदाकत तो होगी ना, बच्ची ना सही बीवी तो होगी। देखिए बेटा, हमने आपसे पहले ही कहा था ये लड़का बहुत शातिर है, आपके काबिल नहीं है। हमने दुनिया देखी है बेटा, और फिर ये तो अच्छी बात है ना कि वक्त से पहले उसके चेहरे से नकाब उतर गया। और फिर आपको तो रिश्तों की कमी नहीं है, अपना खानदान देखिए, उसका उरूज देखिए, इस अदाकार में क्या रखा है? मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। नहीं बेटा, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, ये सब वक्ती बातें हैं और वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आप अभी जज्बाती हो रही हैं। हम नाश्ता लगवा रहे हैं, आप नीचे आ जाइए।